इतना खूबसूरत जगह पे हमने कैंप सेटअप किया। एवरीबॉडी देखिए सैंडविच बन रहा है अभी। अब ये देखो यहाँ कोई क्रेटा लेके आया तो इनकी क्रेटा फंस गई। और तो अपने को ये भाई मिले हैं जैसलमेर डिजर्ट सफारी कराते हैं ये, और इनका एक पेज भी है मैं मेंशन कर दूंगा। तो भाई ने आके हमें आज सुबह सुबह उठाया। गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। अभी थोड़ी देर में आगे चल के आपको अच्छा एक्सपीरियंस करा के देखो। ऐसे डिजर्ट में हमारी मॉर्निंग हुई है, आप देख पा रहे होंगे क्या खूबसूरत नजारा है। भाई ने कहा आपने यार सनराइज मिस कर दिया, मैं कोई नहीं सनराइज दो दिन बाद भी देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, देखिए इतना खूबसूरत जगह पे हमने कैंप सेटअप किया था, और ये देखो खतरनाक डिजर्ट है भाई। यहाँ स्पेशली लोग सफारी करने के लिए आते हैं, जीप सफारी बहुत शानदार है, आप देख सकते हो इधर भी यार, मतलब जबरदस्त मिट्टी है यार। कल रात तो लेट हो गए थे, गाड़ी फंस गई थी वहाँ कहीं, आगे चल के गाड़ी फंसी थी उधर। फंसी तो क्या थी यार, आगे से निकालते तो निकल जाती, अब कहीं नहीं फंसेगी। अब देखना खतरनाक शॉट लेंगे, ड्रोन शॉट लेंगे तगड़े तगड़े। गाइज अभी मैं टेंट से जस्ट नीचे आया हूँ, अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं एडिट करके आया हूँ, बहुत लेट हो गए हैं। इधर आके थोड़ा सा गला डाउन हो गया, बाकी हर तरफ डिजर्ट ही डिजर्ट है, बहुत शानदार। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तो इस डिजर्ट में कराएंगे ऑफ रोड, ड्रोन शॉट लेंगे। एवरीबॉडी चित कर दिया, जोटा चित हो गया, अब नहीं लड़ेगा ये, बात चुका ये। हमारी कब्ज कल से चल रहा था फाइट का, ये पीछे धोखे से आया था, वो दे पीछे कौन तो भी गिर गया। सलाम मोटा। एवरीबॉडी अभी सैंडविच बनने की तैयारी है, देखो प्याज टमाटर काटने को बोला भाई, फिर जिम्मेदारी दी है तो काट रहा है यार। इस सेटअप को अभी नहीं हटाया हमने आज, हमने कहा चलो पड़ा रहने दो, जितनी देर पड़ा रहता है थोड़ा बहुत लास्ट में रेडी होकर ड्रोन शॉट भी लेंगे। एवरीबॉडी हमारी चाय बन रही है, देखिए चाय रेडी है ऑलमोस्ट, इसके बाद में सैंडविच बनाएंगे। ये देखो मसाला हमने कट कर लिया है, इस सैंडविच के बीच में डालने के लिए मसाला रेडी हो रही है। ये अपना भाई, ये अभी कुकिंग हो रही है, देखो डिजर्ट के बीचों बीच बैठे हैं हम। एवरीबॉडी देखिए सैंडविच बन रहा है अभी, ब्रेड सेक रहे हैं, मसाला तैयार हो गया है, बीच में अभी मसाला भरा जाएगा एंड हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। चाय हमने पी ली है, अभी आज का हमारा लंच हमारा सैंडविच ही होगा। बाकी देखो यार कैसे डिजर्ट के बीचों बीच बैठ के हमारी आज की डिश पक रही है, कमाल की बात है। वी डोंट हैव सैंडविच ब्रेड, वी हैव ओनली ब्राउन ब्रेड, सो ब्राउन ब्रेड से एडजस्टमेंट करते हैं, और कैंपिंग का नाम ही एडजस्टमेंट होता है। एवरीबॉडी मैंने चार सैंडविचेस बनाए हैं, ये सैंडविच ब्रेड नहीं है, ये ब्राउन ब्रेड से बनाए हैं, इसमें सैंडविच ब्रेड डाला है मैंने एंड ये मसाला तैयार किया था। एंड कहाँ किया था ये आप देख सकते हैं, हम अभी डिजर्ट में जैसलमेर। शाम का खाना भी कुछ बनाएंगे आज, बढ़िया बनाएंगे, वी है पाव, तो बाजी बाजी रेडी कर लेंगे, पाव बाजी बना लेंगे। जगह पे इतना मन लग गया ना, इतनी बातें कर ली आज हम दोनों ने, अभी तक हमारा कहीं जाने का मन नहीं हुआ, हमें ऑफ रोड भी करना है, सब करना है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सन डाउन होने तो फिर ऑफ रोड बढ़िया होगा, फिर करेंगे हम ऑफ रोड। हमने टेंट भी पैक नहीं किया आज, तो ऐसे ही पड़ा है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हमने दो दिन का घर सेटअप कर लिया।
वहाँ बहुत तगड़ा ड्रोन एक्सपीरियंस करके आए हैं अभी जस्ट। यहाँ थोड़ा सनसेट होने वाला है ना, तो भीड़ बहुत हो गई है लोगों की। हम आगे वाले जोन में जा रहे हैं गाड़ी को लेके, तो वहाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके आएंगे अच्छे से। ओ भाई साहब मजा आ रहा है, अभी मैंने 4 हाई लगा लिया गियर। ओ भाई साहब गाड़ी रुक गई, 4 लो में चढ़ गई, 4 हाई में क्या हाई स्पीड चलती है गाड़ी, लो में थोड़ा धीरे। भाई साहब मजा आ गया, ये सेकंड वाला टीबा है जिसमें हम अभी आए हैं, अभी सेकंड थर्ड सब में जाके आएंगे हम। ये सेकंड वाला तो गजब है यार, बहुत ही गजब, और क्या शानदार एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा यहाँ पे, बहुत ही गजब वाला एक्सपीरियंस हो रहा है, मजा आ गया। ओ क्या बात है। और इधर हम आए हैं अपनी पर्सनल गाड़ी लेके, इधर पर्सनल गाड़ियां लेके लोग कम आते हैं, फंसने का डर रहता है। ओ क्या बात है जी, क्या बात है, गाड़ी खुद से टर्न ले गई। इधर चल के आते हैं, इधर किस तरीके का माहौल है, बहुत भीड़ है यार गाइस, बहुत शानदार एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत ही शानदार। देखिए हम गाड़ी लेके आ गए हैं सेकंड वाले टीपे पे, एंड इधर बहुत टूरिस्ट की भीड़ है, बहुत ज्यादा। वो उस तरफ कैमल राइड हो रही है, ये देखो इधर भी कैमल राइड हो रही है, एंड इस तरफ भी ऊपर चल के वो देखो इधर अपनी पर्सनल गाड़ी ऊपर उठा के बैठे हैं। ये छोटा सा कैफे है, चाय मैगी पॉइंट, यहाँ भी आप आ सकते हो। तो खाने पीने का एक ऑप्शन है इस जगह पे, वो चाय मैगी वगैरह सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है। एंड राइट नाउ वी आर एट सम सैंड ड्यून्स जैसलमेर। जीप सफारी ले सकते हो, ये एटीवी राइड ले सकते हो, ये कैमल सफारी कर सकते हो, इसके अलावा वो सामने की तरफ देखो हम पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई यार जैसलमेर में शुरू, एंड अपना पर्सनल व्हीकल लाके भी अपना पर्सनल एंजॉय कर सकते हो। सनसेट हो रहा था तो हमने सोचा यार पहले सनसेट का नजारा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे, एंड बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ये देखो इधर पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, एंड वो सामने सनसेट का नजारा, और ये देखिए कैमल जा रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल व्यू है, लुक एट दिस। अब ये देखो यहाँ कोई क्रेटा लेके आया, तो इनकी क्रेटा फंस गई, और वो भी जिमनी से निकालने की कोशिश हो रही है बहुत देर से, इनकी गाड़ी निकल ही नहीं रही है, बहुत देर से फंसी हुई है यार, बहुत देर से। जिमनी वाला बहुत जोर से धक्का देता है, गिरता है, लेकिन नहीं निकलती है वो गाड़ी, हिल ही नहीं रही है ढंग से, बुरी तरह फंसे पड़े हैं ये लोग। सारा बढ़िया सा एक्सपीरियंस करके वापस हमारी गाड़ी को लेके आ चुके हैं यहाँ पे। कल रात इधर बहुत सुकून था, तो इधर ही सेम जगह पे आज हम फिर से कैंपिंग कर रहे हैं।